आइलैंड के रोमांचक जगहों में से एक जेम्स बॉन्ड आइलैंड। यह एक ऐसी जगह है जो आपको अपनी सुंदरता और आश्चर्यजनक प्राकृतिक सौंदर्य से मोहित कर देगी। इस वीडियो में हम आपको इस आकर्षक स्थान के बारे में बताएंगे जहां कई देशों से पर्यटक आते हैं। मेरा नाम है गौरव, आज के वीडियो में स्वागत है आपका। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 7:40 हो गए और हम लोग का बस अभी 7:45 को आएगी, तो जल्दी जाके रिसेप्शन पे रुकना है। हमारा दिन शुरू होता है सुबह 7:30 बजे, जहाँ हमें एक मिनी वैन पिकअप करने पहुंच जाती है। ये पिकअप हमारे आइलैंड टूर के यात्रा कार्यक्रम का ही हिस्सा है। जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर पैकेज थाईलैंड में, इसे कई सारे टूर कंपनियां चलाती है, जिनमें से हमने सी स्काई को बुक किया। टूर पैकेज को बुक करना एकदम आसान है। आप किसी भी लोकल टूर और ट्रैवल शॉप पर जाकर आपको जो यात्रा कार्यक्रम पसंद आए उसे बुक कर लेना है। और हाँ, बुकिंग के समय सौदेबाजी करना न भूलिएगा। वैसे हमें ये टूर पड़ा 1750 बाट प्रति व्यक्ति। खैर, हम आते हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड की यात्रा कार्यक्रम पर। ये एक फुल डे टूर होता है, जिसमें आपके लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम के वक्त कुछ स्नैक्स या फ्रूट्स शामिल होते हैं। मैंने चाय ली है, डार्क है, मानसरी कॉफी ली है, ब्रेड जैम, ये गाठिया जैसा कुछ तो है, काफ़ी अच्छा है। अपेरेंटली यहाँ पे 2 टीम्स है, एक रेड टीम, एक ग्रीन टीम। हम लोग रेड टीम से हैं, तो हम लोग की टीम में जो लोग हैं ये सब लोग रेड टीम से हैं, और ग्रीन टीम वाले जो लोग हैं वो ये अंदर जा रहे हैं, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें वहाँ पर जाने के बाद। हमारे यात्रा कार्यक्रम के हिसाब से हम पहुँचते हैं एक घाट पर, जहाँ से हमें ले जाया जाता है हमारे बड़ी नाव की तरफ, बिग बोट, या इसे आप एक फेरी भी कह सकते हैं, जिस पर 30 से 40 लोग सवार होते हैं। गाइस, ये बोट्स को अलग अलग कंपनीज ऑपरेट करते हैं। हम लोग के जो गाइड है आज के टूर के लिए, तो वो ये भाई साहब है, एंड ही आल्सो स्पीक्स इंग्लिश थोड़ा थोड़ा, लेकिन समझ में आ जाता है। हम लाइन में सबसे आगे थे, इसलिए हमने तुरंत जाकर अपर डेक पर कब्जा किया। फिर हमारे साथ जुड़ी इजिप्ट से अपने पापा के साथ आई एक छोटी बच्ची, जो काफी शरारती थी। जेम्स बॉन्ड टूर पैकेज के यात्रा कार्यक्रम में 3 से 4 आकर्षण को कवर किया जाता है, जिनमें से सबसे आखिरी में मुख्य आकर्षण जेम्स बॉन्ड आइलैंड होता है। हमें सबसे पहले फांगना बे ले जाया गया, जहाँ पन्नाक आइलैंड स्थित है। यहाँ पर हमें कनोइंग करके गुफा में ले जाया गया। I am from, we are from India. Oh, India, namaste. Namaste, khap khap. Yeah, Thailand, swati khap, okay? Yeah. इस गुफा को चमगादड़ गुफा भी कहते हैं, क्योंकि अंदर जाते ही आपको चमगादड़ की टोली नजर आ जाती है। गुफा से आगे निकलते ही एक और ओपनिंग दिखती है, जिसके दूसरी बाजू काफी सुंदर नजारा है। हमें बताया गया कि जब पानी का स्तर ज्यादा होता है तो टूरिस्ट यहां आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये पूरी गुफा पानी से भर जाती है। इस गुफा को आइसक्रीम गुफा, जेलीफिश गुफा, ऐसे कई और नाम है, क्योंकि अंदर आइसक्रीम और जेलीफिश के आकार के पत्थर बने हैं। इसे मंकी केव भी कहा जाता है, क्योंकि आपको बंदर भी दिखते हैं।
मेरी सलाह रहेगी आप अपना छोटा मोटा सामान सुरक्षित रखें। Yes, I'm okay. Sorry, nah. No, no, it's okay. Our equipment's are waterproof. Panang Island. Okay. Yeah, only Panang Island. Okay. And after this, where we will go? Hong Island. Okay. Hong Island, you have like a normal keep, like a big lagoon. Okay, big lagoon. Yeah. Okay. You can around the lagoon. Okay. And James Bond Island will be the last, right? No, yeah. And James Bond Island, we not can go. Okay. We can go only Hong Island. We can stay at Hong Island. You can go on James Bond. Okay. And for James Bond, like have long turbo. Okay. Yeah, long turbo. Okay. We take care of you 2 times for canoe only. Yeah. Okay. Yeah. Right. James Bond, you can go for long turbo. Guys, ये जो canoeing है, आपको लगता है simple है? लेकिन बार बार हाथ से मारने में बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है यहाँ पे, और इन लोग कंटिन्यूस मतलब राउंड्स मारते हैं, एक को छोड़ते हैं फिर बाद में जाते हैं पूरा घुमा के लाते हैं, एंड ऐसा कंटिन्यूस 3 से 4 राउंड तो मिनिमम मारते पर पर्सन, सो दाद देनी चाहिए। खैर, हम वहाँ से हमारी फेरी की ओर जाते हैं ताकि हम अगले आकर्षण की ओर निकल पड़े जो है हॉन्ग आइलैंड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले समय हुआ दोपहर के खाने का। खाने में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है और टेस्ट बताए तो काफी अच्छी होती है। हाँ, मगर खाते वक्त थोड़ा मीठा स्वाद आता है। खाना खाकर थोड़ी ही देर में हम पहुंचते हैं हॉन्ग आइलैंड। यहां पर फिर से हम कनो में बैठकर एक सुंदर लगुन की ओर बढ़ते हैं। ये जगह काफी खूबसूरत है। यह थोड़ा आगे चलते ही कई खड़ी चट्टानें दिखाई देंगी, जिनमें से एक जेम्स बॉन्ड आइलैंड की कॉपी जैसी एक चट्टान है। यह आप चाहे तो पानी में उतर कर तस्वीरें ले सकते हैं। Which one? Hong honeymoon room. Hong honeymoon room. Yeah, Hong honeymoon room. Honeymoon room. Mansi, Hong honeymoon room there. You don't know how to swim, so we can't go. थैंक यू। बाय बाय। क्विकली आपको बोट बताता हूँ। ये बोट है और अंदर इनका ये टॉयलेट्स है, एंड यहाँ पर जो है वो खाना बनाता है। सब कुछ खाने का सामान बनाना सब कुछ अंदर ही इंतज़ाम है। ये डेक लोअर डेक है, अपर डेक है, यहाँ से जाना है वो सिटिंग वहाँ पे है। नो इट्स ओके, आई एम जस्ट शोइंग। अपर डेक में यहाँ पे हम लोग अभी खाना खा रहे थे, सिटिंग वगैरह वहाँ पे, एंड उसके ऊपर भी एक जो छोटा सा डेक है वहाँ पे हम लोग सबसे पहले बैठे थे जब आए थे यहाँ पर। सो ऐसे करके 3 डेक्स है यहाँ पे। हॉन्ग आइलैंड की सैर कराकर हम निकलते हैं हमारे मेन डेस्टिनेशन जेम्स बॉन्ड आइलैंड की तरफ। जेम्स बॉन्ड आइलैंड जो थाईलैंड में फंगना बे में स्थित और बेतहाशा खूबसूरत फिल्मी ऐतिहासिकता के साथ एक अत्यंत लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस आइलैंड ने अपना नाम कमाया जब इसे 1974 के जेम्स बॉन्ड फिल्म द मैन विद द गोल्डन गन में दिखाया गया था, जिसमें रॉजर मूर ने जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। जेम्स बॉन्ड आइलैंड का सबसे अच्छा समय नवंबर से अप्रैल तक का सूखा मौसम होता है।
इस समय में मौसम सामान्य रूप से धूप और गर्मी से भरा होता है। हालांकि इस समय भीड़ के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। हम पहुंचते हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड, जहां आने के लिए हमें हमारे बिग बोट से लॉन्ग टेल बोट लेनी पड़ी। गाइस, हम लोग ये आइलैंड पहुंचे। अब ये लॉन्ग टेल बोट से हम लोग को उतरना है एंड वहां पे ऊपर जाना है कहीं पे। तो उसके पहले थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करके हम लोग बोट से निकलना है। यहाँ कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर एक काफी टूरिस्टी स्पॉट पर पहुंचे, जहाँ से वो जेम्स बॉन्ड आइलैंड की फेमस लाइमस्टोन से भरी खड़ी चट्टान दिखती है, जहां आप कई सारे फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं। आगे चलते ही आप एक प्रॉपर बीच पर पहुंच जाते हो, जहां कई यादगार वस्तुओं की दुकान मौजूद है। यहां आकर जेम्स बॉन्ड के आइकॉनिक पोज में तस्वीरें खींचना मत भूलना। हम यहां एक साउथ अफ्रीकन कपल से मिले, जिन्होंने अभी अभी शादी की थी। इनसे हमने आईलैंड पर और फेरी पर कई बातें की और उनसे काफी सीखने मिला। तो हम लोग जस्ट रिटर्न कर रहे हैं। वी मेट दिस ब्यूटीफुल साउथ अफ्रीकन कपल। आई फॉरगॉट फ्रॉम वेयर। प्रिटोरिया। मैर्ट्स एंड सोविया। ओके, मैर्ट्स एंड सोविया फ्रॉम प्रिटोरिया। और ये हम लोग की बोट में अभी थोड़ा भीड़ बढ़ने लगा है, काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोग आए तो भी ज़्यादा लोग थे नहीं, एंड ऑलमोस्ट अभी टाइम हो गया 2:47, सो वी आर ऑन टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग का जो बोट का लीडर है, आई मीन द बोट का गाइड है, वो पीछे ही है हम लोग के साथ, तो उसके बिना तो बोट जाएगी नहीं डेफिनेटली। इस खूबसूरत जेम्स बॉन्ड आइलैंड को अलविदा कहकर हम निकल पड़े वापसी। जाते वक्त एक आखिरी पड़ाव बाकी था, जो रिजर्व था स्विमिंग या रिलैक्सेशन के लिए। इसीलिए हमारी फेरी का आखिरी पड़ाव लावा आइलैंड पर हुआ, जो कि एक छोटा द्वीप है। यहां आप चाहे तो कनोइंग या स्विमिंग कर सकते हैं, या फिर पूरे दिन की थोड़ी बहुत जो थकावट महसूस हो रही हो तो रिलैक्स होकर अपने फेरी में आराम भी कर सकते हैं। हमने इनमें से आखिरी विकल्प चुना। खैर, आखिर में हम निकलते हैं घाट की तरफ। जाते वक्त पंछियों को खाना देना, तेज हवाओं के साथ शाम के वक्त वाटरमेलन और पाइनएप्पल का स्वाद लेना, और जेम्स बॉन्ड आइलैंड की कई सारी यादें लेकर हमारा आज का दिन समाप्त हुआ। अगले वीडियो में थाईलैंड की एक और सबसे प्रसिद्ध खूबसूरत और रोमांचक जगह फीफी आइलैंड्स की हमारी यात्रा और उसकी पूरी जानकारी सभी आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा। खैर, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो जरूर मुझे कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।